नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर कुशीनगर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थली तक बन रहे फोर लेन के कुछ खास बातों के बारे में कि क्या वजह है कि यहाँ पर जो फोर लेन है उसी को बनने में तकलीफ हो रही है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर आ गई है कि जो यहाँ पर एयरपोर्ट के से लेकर मरण स्थली तक जो ज़मीन चिन्हित की गई थी उसमें जो किसान है उन्होंने अपनी ज़मीन देने से इनकार किया है। मामला क्या है ये मैं पहले आपको आगे बता देता हूँ। कुशीनगर एयरपोर्ट टर्मिनल से जोड़ने के लिए और भगवान बुद्ध की मरण स्थली तक जो टर्मिनल है उसको फोर लेन में जोड़ने के लिए गुरुवार को प्रशासन ने किसानों के साथ बैठक की। तहसील सभागार में एडीएम बिंदुवासिनी राय की अध्यक्षता में हुई यह बैठक में शाहपुर व बिशनपुर बिदवलिया गांव के किसान शामिल रहे। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि शाहपुर और बिशनपुर बिदवलिया के कुल 70 किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट से लेकर मरण स्थली तक फोर लेन बनेगा। एडीएम ने बताया कि बिशनपुर बिदवलिया का सर्जिकल रेट प्रति हेक्टेयर 2,10,00,000 है, यानी कि जो बिशनपुरा बिंदवलिया के लोग हैं उनके ज़मीन का जो रेट है वो है प्रति हेक्टेयर 2,10,00,000, जबकि शाहपुर के लोगों का जो ज़मीन है किसानों का उनका प्रति हेक्टेयर 58,00,000 है। तो बिशनपुर बिदवलिया के लोगों ने अपना ज़मीन बेचने के लिए राज़ी हो गए क्योंकि उनका जो प्रति हेक्टेयर रेट है वो है 2,10,00,000, जबकि शाहपुर के किसानों का प्रति हेक्टेयर रेट है 58,00,000। तो जो बिशनपुर बिदवलिया के जो किसान है उन्होंने अपनी ज़मीन देने से सहमति जता दी, जबकि शाहपुर के जो किसान है उन्होंने अपनी ज़मीन देने से इनकार कर दिया। और साथ में उन्होंने यह मांग किया कि जो रेट बिशनपुर बिदवलिया के किसानों को मिल रहा है यानी कि प्रति हेक्टेयर 2,10,00,000, वही रेट हमें भी मिले तो हम अपनी ज़मीन को फोर लेन के लिए दे सकते हैं। किसान राधेश्याम गौड़ ने प्रशासन से समान नीति अपनाने की मांग की। राधेश्याम गौड़ जो किसान है उन्होंने कहा कि जो रेट आप बिदवलिया बिशनपुर के लोगों के ज़मीन पर दे रहे हैं वही रेट हमें भी दें और बराबर का हिस्सा यानी कि बराबर का जो पैसा है वो हमें बराबर दें। एडीएम ने सहमति नहीं मानने की दशा में डीएम को रिपोर्ट भेजने की तो मामला अभी डीएम के पास है। देखते हैं कि कुशीनगर के डीएम भूपेंद्र एस चौधरी क्या करते हैं और क्या किसानों को बिशनपुरवा के जो किसान हैं उनके बराबर शाहपुर के किसानों के प्रति हेक्टेयर पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं बराबर में। आगे जो जानकारी मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए आप हमारा न्यूज़ चैनल।